हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और ये है पार्ट 1। तो पहले हम देखेंगे एक ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको क्या बताया जा रहा है? द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं एक गांव की, जिसका नाम है पालमपुर, और ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है, असली में ऐसा कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी विलेज है ये। और इस कहानी के अंदर हम जानेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो जो main activity करते हैं Palampur गांव के लोग, वो क्या करते हैं? Farming करते हैं, खेती करते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पर किसान हैं। और एक छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग है, इसके कुछ कारखाने लगे हुए हैं, और डेयरी का काम भी होता है, और कुछ ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है, बट छोटे स्तर पे होता है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। ये सारी जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, इनको करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स चाहिए है ना, मैन मेड आइटम्स होने चाहिए कुछ, और ह्यूमन का सहयोग तो चाहिए होगा, कुछ ह्यूमन एफर्ट भी चाहिए, और पैसे तो चाहिए ही है। जब भी हम कोई नई काम शुरुआत करते हैं तो पहले हमें अपना पैसा लगाना पड़ता है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. लेकिन हम इस स्टोरी में क्या जानेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेस को कंबाइन करके, एक साथ मिला के, हम अपने मनपसंद जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। ये जो गांव जिसकी बात हम कर रहे हैं, पालमपुर विलेज की, ये वेल कनेक्टेड है आसपास के दूसरे गांव और टाउन्स यानी कस्बों से। जैसे कि वेल कनेक्टेड कैसे होगा, अच्छी रोड बनी हुई होंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रायगंज और विलेज, जो कि बहुत बड़ा विलेज है, ये 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। मतलब अगर पालमपुर यहाँ है और रायगंज यहाँ है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर्स है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुरा। देखो, अब एक और जगह आ गई है शाहपुरा, तो इससे भी कनेक्टेड है ये पी से पालमपुर। और यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑल वेदर रोड। ये ऑल वेदर रोड क्या होती है? तो ऐसी रोड जो चाहे कोई सा मौसम आ जाए, ये इस पर सफ़र करना आपके लिए इजी हो और पॉसिबल हो, तो वो होती है ऑल वेदर रोड। चाहे सर्दी हो, धूप हो, पतझड़ हो, बारिश हो, आप इस रोड पे सफ़र कर सकें। क्योंकि कुछ रोड ऐसी भी होती हैं जो ऑल वेदर नहीं रहती हैं, जैसे अगर आप लद्दाख में जाएँ या श्रीनगर, इन इलाकों में ऊपर जाएंगे नॉर्थ साइड में, तो कुछ जो रोड्स होती हैं वहाँ पर स्नोफॉल की वजह से कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उन्हें हम ऑल वेदर नहीं कह सकते, क्योंकि जब स्नो गिरेगी, स्नोफॉल होगा, तो वहाँ कनेक्टिविटी टूटेगी, बिकॉज सड़क पे तो स्नो हो गई है। इसीलिए यहाँ इसको ऑल वेदर रोड कहा जा रहा है, क्योंकि हर मौसम में हम इस रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and truck. इस रोड पे हमें तरह तरह के जो साधन हैं, व्हीकल हैं,
ट्रांसपोर्ट के वो देखने को मिलते हैं, चाहे बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो या बोगीज हो। जिनको कौन चलाता है? वो फेलोज चलाती हैं, मतलब जैसे कि बुलक कार्ट्स में बुलक होती हैं, वैसे ही बोगीज में बफेलोज होती हैं। और ये क्या लाद के लेके जा रही होती हैं? गुड़ लेके जाती हैं कभी, या दूसरे और भी सामान लेके जाती हैं। यहाँ पर हमें कुछ जो नए जमाने के व्हीकल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ कितनी फैमिलीज रहते हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार हैं, मतलब घर नहीं कितने परिवार हैं, तो 450 परिवार हैं जो कि अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इनमें से जो 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं वो ज़्यादा विलेज कवर करती हैं, ज़्यादा विलेज उनके हिस्से में आता है, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन जो है विलेज की या अपर कास्ट के पास है। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. तो ये जो अपर कास्ट के लोग हैं इनके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं और ब्रिक्स ईंटों से बने हुए हैं और इसमें सीमेंट की प्लास्टरिंग भी हुई है। The SCs, या फिर जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट या फिर जिनको हम दलित्स कहते हैं, comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो ये जो SCs लोग हैं जिनको हम दलित भी कहते हैं, ये एक तिहाई population है इनकी, मतलब one third population है, और ये गांव के एक कोने में रहते हैं, इनके घर मिट्टी के बने हुए हैं। तो देखिए, ये पिक्चर में हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर्स पे रख के सामान, कॉमोडिटीज इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रोड के थ्रू। अब देखिए, जो ज़्यादातर गांव हैं विलेज पालमपुर में, वहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है और पावर मिलती है सारे ट्यूबवेल्स को। ट्यूबवेल से पानी जनरेट होगा और पानी तो हर जगह के लिए ज़रूरी है, फील्ड्स में भी ज़रूरी है फॉर इरिगेशन, वरना फसल नहीं उग पाएगी। एंड बहुत अलग अलग छोटे मोटे जो बिजनेस हैं उनके लिए भी पानी तो हर जगह ज़रूरी है और इलेक्ट्रिसिटी भी। पालमपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल्स एंड वन हाई स्कूल। तो पालमपुर में दो स्कूल हैं, एक तो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। देर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी दिया हुआ है जो कि सरकार रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी दी गई है जहाँ पर सिक पीपल को ट्रीट किया जाता है। डिस्पेंसरी क्या होती है? ऐसा कोई भी जगह जहाँ से आपको मेडिकेशन मिल रहा हो, मतलब कि आपको दवाइयाँ मिल रही हो, या फिर कुछ जगह पे इलाज भी कर दिया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। तो जो भी अभी तक हमने ऊपर देखा, इससे हमें ये पता पड़ता है कि पालमपुर वेल डेवलप्ड है। क्यों वेल डेवलप्ड है? क्योंकि यहाँ पर रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन लोग कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब वो क्या करना है कि आपके आसपास के जो गांव हैं उनसे कंपेयर करना है कि क्या वहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव में ये फैसिलिटीज़ होती नहीं हैं, और अगर हो तो ज़रूरी नहीं है सारी फैसिलिटीज़ हों। कहीं लाइट नहीं आएगी अगर रोड अच्छी हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो हेल्थ सेंटर नहीं होंगे, हेल्थ सेंटर की व्यवस्था ख़राब होगी, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है अपने आसपास के जो विलेजेस हैं उनसे। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं पालमपुर की, जो एक इमेजनरी गांव है, ये हमें अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये जो विलेज है, जैसा कि जो विलेजेस हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ का जो मेन एक्टिविटी होती है वो होती है फार्मिंग। ठीक है,
The other production activity referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. तो ये तो farm activities हो गई. अगर बोला जाए non-farm activities कौन सी होंगी? Non-farm मतलब जो खेतों में नहीं हो रही. कोई अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाएगा, कोई कारखाना खोल देगा. ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे ऑटो चला रहे हैं यहाँ से वहां, तुम्हें 10 सवारी बिठा के ले जा रहे हैं, या अपनी दुकान खोल ली है राशन वगैरह देने की, है ना. वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. तो हम ये जो सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल चीजें समझेंगे प्रोडक्शन के बारे में, जो कि मैं आपको बताऊंगी वीडियो 2 में. तो प्लीज, मैं वैसे ज्यादा बोलती नहीं हूँ हर वीडियो में, लेकिन प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें. अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए. मिलते हैं पार्ट 2 के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना.